हाउ टू डेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिटायरिंग ऑफ अ बिल रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है जब ड्रॉई क्या करता है ड्रॉई के पास सफिशेंट कैश होते हैं ठीक है सफिशेंट कैश या फंड्स अवेलेबल हैं और वो चाहता है टू मेक पेमेंट टू द होल्डर ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट ठीक है ड्यू डेट से पहले या मेचोरिटी डेट से पहले वो किसको पेमेंट कर देता है ड्रॉ किसको पेमेंट कर देगा या तो होल्डर ऑफ द बिल को या फिर ड्रॉर को ठीक है ड्रॉर भी एक होल्डर हो सकता है बैंक हो सकता है सेकंड केस में ठीक है थर्ड केस में क्रेडिटर होता है केस ऑफ इंडोर्समेंट और फोर्थ में एजेंट और बैंक ठीक है तो वो किसी को भी पेमेंट कर सकता है इसको भी कर सकता है इसको भी और इसको भी ठीक है और जब भी ड्रॉ ड्राई जो है बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करता है किसको वो इनको रिक्वेस्ट करता है कि दैट ही कैन मेक द पेमेंट टू द ड्रॉर बैंक क्रेडिटर और द एजेंट ऑफ द बैंक बिफोर द ड्यू डेट तो दैट इज़ कॉल्ड एज और अगर ये पार्टीज एग्री करें कि पेमेंट लेने के लिए तो उसको हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल ठीक है तो यहां पे बेसिक पर्पस जो है रिटायरिंग ऑफ बिल का क्या पर्पस है जिसके लिए बिल को रिटायर किया जाता है वो ये है कि वो यूटिलाइज करना चाहता है यूटिलाइज द फंड्स विच वुड अदरवाइज विच वुड अदरवाइज रिमेन विच वुड अदरवाइज remain बिल विच अदरवाइज वुड रिमेन वुड रिमेन as आइडल ठीक है वो यूटिलाइज करना चाहता है फ़ंड्स को अदरवाइज वो क्या रहने थे आइडल पड़े रहने ऐसे बेकार उसके पास पड़े रहेंगे ठीक है और वो ये भी चाहता है कि ड्राइंग क्या चाहता है अर्ली पेमेंट क्यों करना चाहता है ताकि जो उसके पास फंडस हैं वो यूटिलाइज हो जाए यूज़ हो जाएँ और साथ साथ में फर्दर सर्कुलेशन ना हो बिल की टू अवॉयड फर्दर सर्कुलेशन ऑफ बिल सर्कुलेशन मीन्स बिल किसी और पार्टी के पास ना चला जाए तो इसलिए वो पेमेंट अर्ली करना चाहता है ठीक है अब जब भी वो पेमेंट अर्ली करना चाहता है तो उस जो ड्राइ है उसको क्या मिलेगा उसके बदले में रिबेट मिलेगी ठीक है और रिबेट इसके लिए क्या बन जाती है इट इज़ ए इनकम ठीक है इट इज़ अ इनकम आप इसको इनकम ना कह के गेन लिख सकते हैं इट इज़ अ गेन गेन किसके लिए है इसके लिए और इन लोगों के लिए क्या हो जाएगा इट इज़ एन एक्सपेंस ठीक है एक्सपेंस किसके लिए रिबेट हो जाएगा ड्रॉर के लिए भी हो सकता है बैंक के लिए ड्रॉ क्रेडिटर के लिए ठीक है एजेंट और बैंक के लिए ठीक है तो रिटायरिंग ऑफ बिल क्या होता है बेसिकली जब भी बिल के ऊपर कौन पेमेंट कर देता है पेमेंट करना चाहता है ड्रॉई बिफोर द ड्यू डेट और जो होल्डर्स हैं इसके बिल के चाहे वो ड्रॉर हो चाहे बैंक हो चाहे क्रेडिटर हो चाहे एजेंट या बैंक हो लास्ट केस में तो वो अगर वो एग्री कर जाते हैं पेमेंट लेने के लिए तो उस केस में हम बिल को रिटायर कर देते हैं और रिटायर कौन करता है ड्राॅ करता है रिटायर बाय मेकिंग अर्ली पेमेंट ठीक है तो इसमें हम रिबेट कैलकुलेट करते हैं रिबेट इज बेसिकली डिस्काउंट ठीक है और वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए हम आ, बिल अमाउंट जो होगा अमाउंट ऑफ बिल जो होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है रेट से ठीक है मल्टीप्लाई अनएक्सपायडायर्ड पीरियड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ठीक है जैसे पच्चीस हज़ार का बिल है ठीक है एक जनवरी से लेके आपने उसको फोर मंथ्स का क्रेडिट पीरियड दिया तो इट मींस जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रैल ठीक है अप्रैल का पूरे चार महीने तो फर्स्ट मई को ड्यू डेट आएगी मई को ड्यू डेट होगी फर्स्ट मई ठीक है ड्यू डेट फर्स्ट मई नहीं सॉरी फोर्थ मई को होगी लेकिन ड्रॉर कह कहता है कि मैं आपको पेमेंट कब कर दूंगा फर्स्ट फेब को कर दूंगा तो देखो फर्स्ट जैन से लेके फर्स्ट फेब, फर्स्ट फेब से लेके फर्स्ट मार्च फर्स्ट मार्च से लेके फर्स्ट अप्रैल और फर्स्ट अप्रैल से लेके फर्स्ट मई ठीक है आपके टोटल क्रेडिट पीरियड कितना था फोर मंथ्स का ठीक है फोर मंथ्स में से कितना लैप्स हो गया उन्होंने कहा द पेमेंट विल बी मेड बाय ड्रॉई क्या कहता है कि मैं आपको पेमेंट कब कर दूंगा फर्स्ट फेब को तो कितना टाइम पीरियड लैप्स हो गया कितना एक्सपायर हुआ ओनली वन मंथ एक्सपायर पीरियड कितना है वन मंथ ठीक है तो अनएक्सपायर्ड उस केस में कितना हो जाएगा थ्री मंथ्स विल बी अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड ठीक है तो रिबेट किस पे आ जाता है रिबेट ऑन बिल्स किसका आ जाएगा दैट इज अगर पच्चीस हजार का बिल है दस परसेंट रिबेट दिया तो दस बाई सो तो मल्टीप्लाई जितना अनएक्सपायर्ड है चार में से कितना टाइम गुजर गया एक महीना गुजर गया एक्सपायर्ड पीरियड वन मंथ है अनएक्सपायर्ड चार में से कितना रह गया वन निकालो तो तीन बज गए तीन बाई बारह ठीक है तो इसको ये कर दिया थ्री वन जा थ्री थ्री फोर ज़ा टू टू ज़ा फाइव टू 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 ज़ा फोर और टू फाइव ज़ा ठीक है वन ज़ा एक सौ पच्चीस रुपये तो एक सौ पच्चीस हो गया पचहत्तर और पाँच छः छः सौ पचहत्तर रुपये जो हो गया वो रिबेट मिल जाएगी ठीक है बच्चे